में मैंने यहाँ सी शार्प किया, ऑल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने वेब कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास जो वेब से रिलेटेड टेम्पलेट है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैं गई हूँ ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, इसके अंदर MVC और ये सारी चीजें आ रही है। विजुअल स्टूडियो 19 है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है, इधर मैंने इसको सिलेक्ट करा, इस वाले को सिलेक्ट करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, नेक्स्ट करा इसको, ठीक है। वेब एप्लीकेशन आ रहा है, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वेब ऐप और हम जो बेसिकली काम कर रहे हैं वो एड टू कार्ट का काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एड टू कार्ट। इससे रिलेटेड ही मैं बता रही हूँ, इस चीज को आप अपने वेबसाइट में टेबल्स बना के कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया फ्रेमवर्क, आपको अगर यहाँ से चेंज करना है बेटा तो आप यहाँ से फ्रेमवर्क भी चेंज कर सकते हो, जो लेटेस्ट इसमें मौजूद है वही मैंने इसको रहने दिया है, ठीक है। प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी में रखना है तो आप इसको यहाँ पे टिक लगा दो, नहीं रखना ना रखो, क्रिएट किया मैंने। अभी आपसे पूछ रहा आपको MT चाहिए, वेब फॉर्म चाहिए, MVC का कोई टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। मैंने कहा MT चाहिए लेकिन मुझे MVC का चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सही है, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ, सही है। ये मेरे पास MVC का क्रिएट हो जाए, सही है। ये मेरे पास इस तरह आ गया। सॉल्यूशन एक्सप्लोजर में आऊंगी तो मेरे पास ये वही सारी चीजें आ रही होंगी जो नॉर्मली हमारे पास आती है, बस थोड़ा सा इसका लुक आपका चेंज है। अच्छा, हमें क्या करना था, एक एड टू कार्ट का काम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना होम जो वेबसाइट है हमारी, ठीक है, उसके लिए हम एक कंट्रोलर में बना रही हूँ। यहाँ पे MT कंट्रोलर है, ऐड किया मैंने, और मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, होम, जो कि हमारे वेबसाइट के अंदर ही होगा, सही है। इसकी कोडिंग आप कहाँ लगाओगे, अपने होम कंट्रोलर में लगा लोगे। ऐप डेटा में मैं गई, ऐड किया मैंने, और यहाँ मैं जो है ऐड करूंगी न्यू आइटम, और न्यू आइटम में मेरे पास ये डेटाबेस है, डेटाबेस का जो हमारे पास नाम है बेसिकली हमारे पास केयर है, या जो भी आप यहाँ पे लिख दो, हेल्थ केयर था हमारे पास, ठीक है। आपने अपने वाले के अंदर जो है वो क्या करना पड़ेगा, और टेबल ऐड करने होंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी बना हुआ है, सही है। ऐड करा हमने, यहाँ पे जैसे ही ऐड होगा मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा, ठीक है। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी, यहाँ मेरे पास सर्वर एक्सप्लोरर में इस तरह आ जाएगा। अब मैं जो टेबल बनाना है, एड न्यू टेबल में गई, मुझे जो टेबल बनाना है बेटा वो मेडिसिन का बनाना है। तो देखो मेडिसिन से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं कि मेडिसिन जो है, एक तो हमारे पास वो कौन सी कंपनी की है, सही है ना। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक टेबल होना चाहिए कंपनी, जिसमें हमारे पास कंपनी की आईडी होगी, कंपनी का नाम होगा, और उसके बारे में मतलब कोई डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कंपनी की क्या है, जो भी उसका अबाउट है वो आप उसके बारे में वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कंपनी का अगर कोई लोगो है या इमेज है तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम मेडिसिन पे आए तो मेडिसिन में भी कैटेगरीज के हिसाब से होती है ना, कि भाई हमें फीवर की चाहिए, किसकी चाहिए, तो वो सारे आपकी जो है वो डिजीज के हिसाब से मेडिसिन होती है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हमें पहले इनके टेबल्स बनाने हैं, फिर इसके बाद हम इस पे काम करेंगे। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं जो टेबल बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ कंपनी, तो मैं शॉर्ट बना रही हूँ, आप इसको और ज्यादा उसमें कर सकते हो, ठीक है। कंपनी में मैं आ गई आइडेंटिटी, एक तो ये इसकी ऑटो चल रही होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि कंपनी में, इसके बाद हमारे पास है नेम है, सही है, एंटर, और इसके बाद मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं वारचार, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास ये वारचार है। अच्छा, अलाउ डिस्क्रिप्शन आप डालो ना डालो, लेकिन नाम आपने लाजमी डालना है, और ये नाम जो है वो बेटा यूनिक होगा। यूनिक क्यों होगा, क्योंकि ऐसा ना हो दो कंपनी के नाम जो है वो उसी में डले हुए हैं, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। अपडेट कर दिया मैंने, ये मेरे पास कंपनी का एक टेबल अपडेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने उस वाले में भी बना सकते हो, ये देखो ये कंपनी आ गई, ठीक है। इसके बाद ऐड अ न्यू टेबल मैंने करा कंपनी के बाद, अब हमें ऐड करना है कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी जो है वो हमारी किस कैटेगरी, या पर्टिकुलर अगर आप डिजीज लिखना चाहते हो ना तो डिजीज भी लिख दो, कि भाई किस डिजीज कैटेगरी क्या है, जिसमें आप अलग से डिजीज कैटेगरीज में आप वो लिखोगे और वहां पे उससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास मौजूद होगी। डिजीज कैटेगरी,
आइडेंटिटी है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट है मेरे पास, कैटेगरी नेम है, सही है। और इसके बाद आप अच्छा मेडिसिंस के साथ देखो, बहुत सारी हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है कि मेडिसिंस अभी हमारे पास जो है वो किस कैटेगरी का है, फीवर का है, ठीक है, डोज आप किस तरह लोगे वो मेडिसिंस के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आती है, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास कैटेगरी हो गया, सही है। और इसकी जो कैटेगरी का नेम है, एक तो ये हमारे पास रहेगा वार्ड चार रहेगा, और ये दोबारा से मेरे पास रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कैटेगरी भी मेरे पास क्या होगी, यूनिक होगी, सही है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती, सही है। दवाइयों के नाम, ये दवाई का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो दवाई का नाम जो है वो हम अलग मेडिसिन का टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हम पुट करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें उससे कॉन्फ्लिक्ट करेंगी कि किस कैटेगरी की बिलोंग करती है, ठीक है। ये अपडेट हो जाए, प्रिपेयर हो रही है, अलाउ लेवल पे से चेक हटाया, यूनिक है ये, अपडेट करा मैंने, ये अपडेट हो जाएगा। सही है। अच्छा यहाँ पे देखो टेबल हो गया मेरे पास रिफ्रेश, सही है। यहाँ राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टेबल है मेरे पास, अब मेडिसिन का टेबल है, सही है। अच्छा मेडिसिन से रिलेटेड हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, तो मेडिसिन से रिलेटेड हमारे पास जो आईडी है, जो कि हमारे पास मेडिसिन का कोड होगा, बेसिकली जो प्रोडक्ट कोड होता है, वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दी, ऑटो वो चलेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास उसका नेम हो गया, सही है, मेडिसिन का नाम क्या है, सही है। उसके बाद आप मेडिसिन की जो है वो डोज यानी पर एमजी जो भी है वो है, ठीक है ना, ठीक है, डोज हो गई उसकी। और उसके बाद उसकी जो है वो क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर डेट हो गई, ठीक है, फिर ई एक्सपी डेट हो जाएगी, मैन्युफैक्चर होगी, एक्सपायरी होगी, टैबलेट है क्या है, कैप्सूल, हाँ फॉर्म उसकी क्या है, मेडिसिन फॉर्म क्या है, मतलब मेडिसिन टाइप क्या है उसकी, आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, उसकी टाइप क्या है, सिरप है, कैप्सूल है, या फिर क्या कहते हैं टैबलेट है, ठीक है, ये हो गई, सही है। इसके बाद उसकी क्वांटिटी आपके पास कितनी मौजूद है, यानी कितने पैकेट्स या कितने कैप्सूल मौजूद है, ठीक है, पैकेट्स में लिखा है, पर पैकेट में कितने हैं, तो 30 होते हैं ना, तो वो 30 ही लिखी हुई होती है। अगर कोई एक पैकेट ले रहा है तो उसको हम क्या करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि एक पैकेट के अंदर वो कितनी अवेलेबल है उस हिसाब से, ठीक है। तो प्राइस होती है हमारे पास वो एक कैप्सूल की प्राइस होते हैं, अगर कोई 30 लेता है तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, सही। और इसके बाद हमारे पास है कि वो किस कंपनी की है, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया कंपनी आईडी होगी कि किस कंपनी की है, ठीक है। दूसरी चीज कि वो किस कैटेगरी से, डिजीज कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डी कैटेगरी कर रही हूँ, ठीक है। और ये भी मेरे पास क्या कैटेगरी आईडी रहेगी यहाँ पे, सही है, इसकी भी क्या आएगी मेरे पास आईडी आएगी, सही है, तो आईडी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये आईडी रहे इंटीजर रहेगा, ठीक है, ये आईडी है फॉरेन की है, तो ये भी मेरे पास क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। प्राइस मेरे पास है तो इसको आप यहाँ पे मनी दे सकते हो, क्वांटिटी मेरे पास इंटीजर में ही रहेगी, ठीक है। टाइप का मतलब है कि टैबलेट है क्या है, ये आप वाचर रखोगे, सही है। एक्सपायरी डेट है, ये मेरे पास डेट फॉर्मेट में रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये मेरे पास डेट फॉर्मेट में रहेगा। और चीज़ें देख लो अगर कुछ याद आती है उससे रिलेटेड, ठीक है, तो हम वो भी इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। और डोज है कि मेरे पास एम जी है या क्या है, ठीक है, डोज कह लो, पावर कह लो, जो भी उसकी है वो। तो डोज में जैसे 250 mg होता है तो इंट आएगा नहीं, वाट चलेंगे, क्योंकि एम जी हम खुद लिखेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर फिर वो लिक्विड होगा तो ml हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास नेम है, तो ये भी मैंने यहाँ पे वार्ड चार्ट लिख दिया, सही है।
अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपके पास यूनिक रहनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए मेरे पास? ठीक है, मेडिसिन का नाम देखो, रिपीट अगर हो सकता है, लेकिन अगर उसका नाम है तो कंपनी कभी कभी चेंज होती है, सेम नेम हो, लेकिन जब सेम नेम नहीं होता, सही कंपनी का नाम है तो आगे पीछे नाम भी होता है, सही। अगर कंपनी चेंज है ना, तो ऐसा नहीं है कि पैनाडोल दो कंपनियां बना रही है, कंपनी आईडी भी मेरे ख्याल से ठीक है? बनी तो हुई होगी कंपनी, ना। हाँ कंपनी आईडी जो है वो, ये तो फॉरेन की है, तो हम फॉरेन की ऐड करेंगे ये भी, ठीक है? तो वैसे इसमें यूनिक लगाने की जरूरत नहीं है, सही है, क्योंकि हमारे पास ये नेम वगैरह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब फॉरेन की हमें ऐड करनी है, अब सोच लो अगर कुछ और ऐड करवाना है तो ऐड करवा दो। दो फॉरेन की हमारे पास ऐड होंगी, एक और ये दो, सही है? अच्छा, जो है एक कंपनी आईडी के लिए है, सही है, और एक जो है वो मेरे पास डिजीज कैटेगरी के लिए। यहाँ पे एक चीज जो मुझे मिसिंग लगती है वो मुझे लगती है कि इसमें पिक्चर भी होनी चाहिए ना, हम यहाँ पे मतलब पिक्चर की इमेज होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे पुट करा, और इसको मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इमेज होनी चाहिए, ठीक है? दवाई के लिए दवाई की इमेज होनी चाहिए ना, पिक्चर तो लगी भी होती है आपके पास, दो डोज की इमेज भी हो ना। नहीं, डोज की नहीं, पिक्चर की, ठीक है? इसको मैं जरा कैप्चर कर लूँ फर्स्ट, ताकि सब एक जैसा दुख पाए, ठीक है? कोई स्मॉल तो नहीं रह गया, नहीं, सही। अपडेट मैंने यहाँ पे कर दिया, अगर किसी में एरर होगा तो ये नहीं होगा। किस चीज में ये कह रहा है? इमेज बार चार आएगी, हाँ पाथ डालेंगे, केस डिफरेंट मेडिसिन कैटेगरी आएगी। आईडी दिस कैटेगरी आईडी आईडी डी और ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया डेटाबेस। बेसिकली आपके तीन टेबल्स बनेंगे, कंपनी, डिजीज और मेडिसिन के। इसको करने के बाद आप यहाँ आ जाओगे मॉडल के ऊपर, मॉडल पर राइट क्लिक किया, ऐड पे गए, ठीक है, और न्यू आइटम, और हमारे पास मॉडल, मॉडल वन, ठीक है? आपका मॉडल बना हुआ है तो आप सिर्फ राइट क्लिक करके अपडेट करोगे फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है? तो नेक्स्ट करा हमने, हेल्थ केयर मेरे पास यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट किया मैंने, ये एग्जैक्टली इस तरह नेक्स्ट होगा, ये हटाया, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये तीनों टेबल्स आए और ये फिनिश हो गया। आपके पास बना हुआ है तो आप राइट क्लिक करके इसको अपडेट टेबल फ्रॉम डेटाबेस कर लोगे। ठीक है, डोंट शो दिस मैसेज, ओके। यहाँ पे देखो, ये टेबल हमने मॉडल बना लिया, आपके पास बने हुए होंगे तो आप अपडेट फ्रॉम मॉडल कर लोगे, सही है? इनकी जो रिकॉर्ड्स वगैरह हमारे पास मौजूद होंगे वो हम यहाँ पे इसी तरीके से इन सबके अलग अलग कंट्रोलर बनाएंगे, ताकि ये सारी जो है ना मेरे पास ऐड हो जाए। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आऊंगी कंट्रोलर पे, एक तो मैंने यहाँ पे बनाना है कंट्रोलर एडमिन का, सही है? एक एम्प्टी बनाऊंगी एडमिन का, जिसमें मैं इन सबको लिंक करूंगी, ठीक है? ये मेरे पास ऐड हो गया, और इनके कंट्रोलर बनाने से पहले मैं सबको क्या कर लूंगी, एक दफा बिल्ड कर लूंगी, रीबिल्ड कर लूंगी, ठीक है? एक दफा मैंने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट रीबिल्ड कर लेना है, ताकि मैं उन सब की भी बना सकूं। इसमें मैं कोई लॉगिन वॉगिन का काम नहीं करी, सिर्फ मेन काम है, ठीक है? बाकी आप लॉगिन का काम आपका जो हुआ है उसी से आपका चलेगा। यहाँ पे मैंने ये बना दिया, अब आप कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो,
एट कंट्रोलर, सही है। ये थर्ड वाला हमने सिलेक्ट करा, एड कराया मॉडल क्लास हमारे पास। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ से कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया और इसकी डेटाबेस जो हमारे पास ये है, सही है। यूजर लेआउट वगैरह में करना है, कंपनी का कंपनीज कंट्रोलर आ रहा है, इसको मैं मिटा के यह कर रही हूँ, कंपनी कंट्रोलर कर रही हूँ, सही है। और यूजर लेआउट पेज मुझे करना है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रहने दिया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कंट्रोलर ऐड कर दिया कंपनी का, इसी तरह राइट क्लिक करा, ऐड कंट्रोलर, ऐड डिजीज कैटेगरी, ठीक है, ऐड अगेन कंट्रोलर पे क्लिक किया। तीन टेबल है, ये तीन दफा ऐड होगा, कंट्रोलर, एड मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में एस लगा हुआ है, इसको हटाया, ऐड कर दिया। ये जो लेआउट आया है इसका, इस लेआउट पे आने के बाद ये एप्लीकेशन नेम है मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, हेल्थ केयर एडमिन पैनल, और ये हमारे पास जाएगा एडमिन पे। सही है, इस तरह एडमिन कंट्रोलर का हमें इसका इंडेक्स बनाना है। ये एडमिन कंट्रोलर है, इस पर राइट क्लिक किया मैंने और अब मैं इस पर एड व्यू करा रही हूँ, और ये MVC5 का जो एड व्यू है, सही है, इसमें अब इतना वो नहीं है आपके पास, ये इसका जो लेआउट पेज है ना वो आपका डिफरेंट यूज वही यूज करना है जो एडमिन पैनल का है, अभी होम का नहीं कर रहे, होम में हमारे पास डिफरेंट आएगा, ठीक है, ऐड करा दिया। व्यू कर रही हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि यहाँ पे मैंने एडमिन पैनल इसको चला रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरह चलेगा। इस पे अभी सिर्फ हेडिंग आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लगाई हुई, सिर्फ एडमिन पैनल लिखा आया। मुझे दो एंकर के बटन चाहिए, एक तो ये टेम्पलेट है, एक इसको हमें सेट कराना है। लेआउट नहीं आया इस, फाइल मिसिंग थी, मैंने दूसरे इसमें से ना उठाया और उसे पेस्ट कर दिया ना, अब ताकि मेरे पास ये एडमिन कंट्रोलर जो है ना मेरे पास सही आ जाए, ठीक है, वन डिस्प्ले इसका सही नहीं आ रहा था, ठीक है। होम का इंडेक्स तो मैंने बनाया नहीं है, एडमिन में काम करना है तो मैंने यहाँ पे एडमिन स्लैश एंटर करा, ठीक है, ये रहा एडमिन पैनल लिखा हुआ है, हेल्थ केयर का एडमिन पैनल। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी मैं यहीं आऊंगी, मुझे इसके अंदर दो बटन बनाने, एक तो या तीन बनाने, एड व्यू और वो हमें जो चाहिए ना,
तो इंडेक्स इसी का है। तो यहाँ पे मुझे जो चाहिए, एक तो मैंने पहले एक ले ली डिफ, ठीक है, वो मॉडल रखा हुआ है, वो अभी उसके हमने कंट्रोलर बना ली ना, ये तीन बनाए, कंपनी, डिजीज कैटेगरी और ये मेडिसिन का बनाया हुआ है। सही है। अब यहाँ डिफ के ऊपर मैंने यहाँ पे लगा दी है क्लास मार्जिन टॉप से, खैर आ तो नहीं रहा इसमें, कंटेनर। सही है। इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल लगा रही हूँ मिनिमम हाइट, क्योंकि फुटर ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मिनिमम हाइट मैंने इसकी दे दी है 400 पिक्सेस इस तरह। अब आप साथ साथ देखते भी जाओ, यहाँ पे 400 पिक्सेस मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो ये नीचे की तरफ मूव कर गया है। मुझे यहाँ पे जो है ना बटन है मेरे पास एंकर ही, लेकिन उसका लुक जो है वो आपके बटन जैसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं एंकर का टैग लगा रही हूँ, और एक है मेरे पास ऐड, या मुझे व्यू करना है, दोनों में से कोई एक काम करना है। ऐड और व्यू क्या करना है मुझे, कंपनी को करना है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास तीन बनी है, एक कंपनी हो जाएगी, एक हो जाएगी एक डिजीज, कैटेगरी और यहाँ हो जाएगी। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये तीनों ना लाइन से मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इन सब का लुक चेंज करना है, इन सब पे मैं एक पे लगाती हूँ, बाकी वही सब ना फॉलो करेंगे, ठीक है। हैश लगा दिया फिलहाल, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास लगा रही हूँ, BTN-BTN, ठीक है। अब इसका डैन जो है रखना है, रेड कलर रखना है, तो आप इस पे ये वाली क्लास लगा दो। सही। कॉपी पेस्ट सेव करा, रिफ्रेश कर, ठीक है। ये इस तरह आना सही है कि मुझे क्या करना है, एक के नीचे एक बनाने, एक के नीचे एक लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लाइन आप ब्रेक करते जाओगे, फिर हाइट अगर डिफाइन करनी है, बटन की हाइट क्या रहेगी, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये बटन होंगे, फिर उन पर क्लिक करेंगे तो अलग पेज पे, हाँ अलग पेज पे चले जाएंगे। इसमें मैं मिनिमम हाइट नहीं दे रही, सिंपल हाइट 100, एक एक बटन पे मैंने लगाया है 100। आप यहाँ देख सकते हो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे 100 लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे 20-30 से ही काम चल जाएगा, अगर ऑटो हाइट करेंगे तो वो जितना टेक्स्ट है उतना ही आएगा। सही है। सही है, इस तरह सही है। और इसके साथ जो है वो मैं दे रही हूँ मार्जिन टॉप, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दी है 50 पिक्सेल। सही है। यहाँ पे आपने रिफ्रेश करा, ये थोड़ा ऊपर से नीचे आ गया। सही है। यही सारी चीजें जो है वो आप बाकी सब पे भी स्टाइल लिंक कर लो, एक पे करा आप दूसरे पे भी हमने ये कर लिया। सही है, इस तरीके से। सही है। अब इनके ऊपर हमारे पास ये जो मूव करके हमें जाना है ना बेटा, हमें ये कहाँ मूव करके जाना है, कंपनी की जो हमने कंट्रोलर बनाए हुए हैं ना, सही है, इन पे मूव करके जाना है। तो मैं अब यहाँ पे जो बनाऊंगी ना, इनके कंट्रोलर के नाम से बनाऊंगी, स्लैश लगाया मैंने, अब इनकी कंट्रोलर का नाम है कंपनी है ना, तो मैंने यहाँ पे स्लैश करके क्या कर दिया, कंपनी, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे, और अब हमारे पास दूसरा क्या है, डिजीज कैटेगरी है ना, डिजीज कैटेगरी, ठीक है।
मेडिसिन ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ये आ गया इसकी। अब इधर मैं क्रिएट न्यू करूंगी ना, यहाँ पे पहले आप इसके इंडेक्स पे आप लिख दोगे कि ये जो है वो कंपनी का है, ठीक है, ताकि आप क्रिएट न्यू करोगे तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये ऐड होना शुरू हो जाएगा। सही है, वापस क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएंगे। क्या अभी कंपनी का इंडेक्स, इंडेक्स का जो पेज होगा ना, इस पे यहाँ पे हेडिंग डली होगी इंडेक्स, तो यहाँ पे हम कर देंगे कंपनी, ठीक है। ये काम हो गया, मैंने कट करा इसको, अब इधर रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके अब मैं यहाँ पे आई तो मेरे पास ये आ रहा है कंपनी, ठीक है। इसी तरीके से आप कंपनी का बन करके डिजीज कैटेगरी के इंडेक्स पे आओ, और अब यहाँ पे आके हम क्या लिख देंगे, डिजीज कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे वापस क्लिक किया डिजीज कैटेगरी, तो ये डिजीज कैटेगरी आ गई, सही है। इधर इंडेक्स का नेम चेंज कर रही हूँ साथ साथ, ये मेडिसिन है इसके इंडेक्स पे आई, यहाँ पे मैं ये चेंज कर रही हूँ। यहाँ मैंने आके इसको रिफ्रेश करा और ये मेरे पास आ गई मेडिसिन, ठीक है। ये जो नेम नेम है, ये एक आपके पास कंपनी नेम है और एक ये इनका लेबल आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तीन होगा सही है। हाँ, नेम नेम नेम, ये कौन से नेम है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट न्यू पे आऊंगी तो मेरे पास ये आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी ऐड होगी वो यहाँ आएगी, जो कैटेगरी डिजीज की ऐड होगी वो यहाँ पे आएगी, सही है। इसके अलावा अगर आपने कोई ड्रॉप डाउन लगानी है तो आप लगा सकते हैं, क्वांटिटी में आप ये देख सकते हो नंबर आ रहा है, टाइप है ये मेरे पास, एक्सपायर डेट है। इधर इसको बैक पे चेंज करना पड़ेगा या कैलेंडर लगाना पड़ेगा, ठीक है। पिक्चर की जगह पे फिर आपको ब्राउज लगाना पड़ेगा, सही है, ताकि पिक्चर जो है वो अपलोड हो सके। ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता, ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे डेटा टाइप है ना, ऑटो जनरेट कोड है तो, लेकिन आपको पीछे काम करना पड़ेगा। अब जो मेरे पास वेबसाइट है होम कंट्रोलर, इसका जो इंडेक्स है, इस पे तो मेरी सारी प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए ना, तो मैं राइट क्लिक करूंगी और मैं इस पे आऊंगी, व्यू एड करूंगी, पहले से स्टॉप करती हूँ। बेसिकली जो मेरी सारी प्रोडक्ट है, इसको बाद में बनाने का मकसद क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये मुझे व्यू बनाना है, इसका ऐड करना है, लेकिन जो व्यू है ना वो मेडिसिन का है, जैसे मेडिसिन की मेरी लिस्ट आती है ना उसी तरह है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि मेरे पास सारी मेडिसिन आनी चाहिए, एक लिस्ट है, वो टेबल व्यू है, उसको हम चेंज कर लेंगे, लेकिन वो कौन सी मॉडल क्लास की, मेडिसिन की ही है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली मेडिसिन है, तो हमने इसको इसे सिलेक्ट किया। अब जो इसका लेआउट पेज है ना, वो मेरे पास चेंज होगा, लेआउट पेज मेरे पास क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज करने के लिए या तो मैं यहाँ पे ये लिखूं, या तो मैं यहाँ पे कोई व्यू में जाऊं और इसी तरीके से शेयर्ड में आऊं और यहाँ पे मैं हाँ कोई दूसरा लेआउट यहाँ पे लिख देती हूँ, लेआउट वन, वो बाद में हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, लेआउट पेज वन है मेरे पास नाम, सही है, कॉपी करा मैंने और इसको ऐड करा दिया। अभी मेरे पास बैक पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सिर्फ इसको दे दिया है। यहाँ पे मैं आऊंगी इस वाले को, ठीक है, मैंने क्या करा है, इस वाले को कॉपी करा है और कॉपी करके मैंने यहीं पे इसको पेस्ट करा है, तो ये लेआउट का कॉपी आ रहा है ना, इसको मैं अब रीनेम कर रही हूँ, और कॉपी के बजाय मैंने यहाँ पे क्या देना है, सिर्फ वन लगाना है, ठीक है, ये वन हो गया। अब जो लेआउट वन है ना, ये मेरा एडमिन पैनल नहीं है, मेरा वेब पेज है, और जो ये जाएगा मूव होके कहाँ जाएगा, होम पे जाएगा। नाउ लेट्स सी, अब पहला पेज आ रहा होगा आपके पास, अब पहले पेज में भी ना देखो लिस्ट आ रही होगी, उसे कमेंट करेंगे, उसको हम डिव बनाएंगे, रॉ बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद अब ये कह रहा है डेटा नहीं है, सही है। तो डेटा क्यों नहीं है हमारे पास, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेडिसिन का जो कंट्रोलर है उसकी जो हमारे पास इंडेक्स का पेज है ना, उसकी लिस्ट ये आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। इसे मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैं होम पे आई और होम पे लाके मैंने इसको पेस्ट करा। ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस के लिए ऊपर हमारे पास ये वाली क्लास लगेगी, इसको कॉपी करा
और यहाँ लाके मैंने इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, सेव करा, ठीक है, कंटिन्यू। एक मिनट, इसकी मॉडल क्लास ऐड करो, कंटिन्यू। अच्छा इसको हटा दो, ठीक है, कैटेगरी और ये आप हटा देंगे, कंटिन्यू। रीस्टार्ट करती हूँ मैं से। अच्छा मेरे पास बैक में ना पीछे डाटा नहीं है, तो ये मुझे एरर देगा कि भाई कोई डाटा नहीं है या कुछ भी अगर मसला होगा तो ये एरर दे सकता है। तो होम का हमने पहले इंडेक्स चलाना है, तो मैंने इसको रीस्टार्ट किया है, ठीक है। तो मेरे पास ये देखो होम के इंडेक्स में मेरे पास बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है, क्योंकि सेम टेम्पलेट है। एक तो क्रिएट नहीं लगाना मुझे इसमें ना, तो मेरे पास इंडेक्स है और ये मेरे पास लेआउट वन का है, तो जो इसका क्रिएट है वो मैं यहाँ से हटा दूंगी। सही है कि क्रिएट वाला ऑप्शन इसमें नहीं आना चाहिए, सही है इस तरह। और इसका जो लेआउट है टेम्पलेट है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। बात समझ में आई? एक मैं रिकॉर्ड ऐड करती हूँ, एक रिकॉर्ड ऐड करके आपको करके दिखाती हूँ, देन उसके बाद क्लास ऑफ। एडमिन, पहले मैंने कंपनी ऐड करनी है, कोई कंपनी का नाम बता दो, लेट्स सपोज कोई भी लिख देते, सही है, नहीं है, ठीक है, बस क्रिएट कर दी मैंने, ठीक है। कैटेगरी डिजीज में हम क्रिएट न्यू कर रहे हैं, फीवर, सही है, हाँ क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेडिसिन पे आ जाओ, क्रिएट न्यू पे आ जाओ, यहाँ पे मेडिसिन से मेरे पास लेट सपोज, ठीक है, डोज जो है वो मेरे पास है 250 mg है। इमेज में लेट सपोज मैं अभी ऐसे ही लिख देती हूँ, abc.jpg। सही है, यहाँ पे हमने इसका इस तरीके से पाथ लिख दिया, इमेजेस, सही है। और मैन्युफैक्चर डेट है, तो बेसिकली हमारे पास है डेट ही ना, तो मैं अभी फिलहाल जो है वो इसी तरीके से डाल देती हूँ। एक्सपायर है 12/23। टाइप है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास जो टाइप है वो है टैबलेट, क्वांटिटी मेरे पास लेट सपोज 12 है, प्राइस जो है वो इसकी जो है वो 40 है, कंपनी एबीसी है, कैटेगरी बाय डिफॉल्ट जो है वो ये मैंने क्रिएट कर दिया। एक क्रिएट करा, अब इधर देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है, सही है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है ना मेरा, ये चेंज होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट का वो है। तो इसके लिए डिस्प्ले कराने के लिए आपको देखो ये चीज़ तो पता है कि फॉर ईच डिस्प्ले करा रही, हेडिंग हमें चाहिए या नहीं चाहिए वो हम बाद में रखेंगे। तो हमने ये जो टेबल वाला पोर्शन है ना, इस पूरे को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं कमेंट कर रही हूँ, क्योंकि डिस्प्ले मुझे अपनी मर्जी का करना है, इंडेक्स ही हेडिंग नहीं आएगी पहली चीज, ठीक है। डेटा आप यहाँ से उठाते जाओगे, सही है, तो इंडेक्स ही हेडिंग हमें नहीं लगानी, सही है। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ मेडिसिन, सही है, अब ये आएगी। इसके नीचे आप जब प्रोडक्ट डिस्प्ले कराते हो तो आप क्या बनाते हो, डिफ बनाते हो, उसके अंदर एक वो कंटेनर होता है, इसके बाद हमारे पास एक होती है रॉ होती है, ठीक है, रॉ के अंदर हमारे पास एक होता है कॉलम। अब डिपेंड ये करता है आपने एक रॉ के अंदर कितने डिस्प्ले कराने, तो ये बार बार बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है कंटेनर की, ये क्लास है रॉ की, ठीक है, मुझे बनाना बार बार क्या है कॉलम बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगी, एक रॉ के अंदर मुझे जो है वो चार चाहिए, तो कॉल एमडी 3, ये मेरा बार बार रिपीट होगा। अब ये चीज बार बार रिपीट होगी तो मैं इसका फॉर ईच लगाऊंगी, क्योंकि फॉर ईच इसको बार बार क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके ऊपर फॉर ईच का ये लगाया,
और यहाँ मैंने ये ब्रैकेट इसका बंद कर दिया, सही है। तो जितने आइटम्स होंगे उतने ये मेरे पास बन जाएंगे, ये डिफ बनेगी, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर जो मेरे पास आनी चाहिए वो मेरे पास पिक्चर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पिक्चर आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ इमेज का टैग लगाया इस तरह, इधर इसकी सोर्स हम लिखेंगे, सही है, यहाँ पे। और यहाँ इसकी हमारे पास जो वेद होगी वो मैं कह सकती हूँ कि भाई 100% है, या कोई आप अपने मर्जी से लिख लो। लेट सपोज मैंने लिख दिया 200 पिक्सेस है, और इसकी जो हाइट है वो मेरे पास है 150 पिक्सेस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, मैं सेव कर रही हूँ इसको, ये रिफ्रेश किया तो मेरे पास अभी हेडिंग आ रही होगी और एक ये आ रहा होगा, सही है। रॉ है, रॉ पे बेसिकली आप मार्जिन टॉप मेरे ख्याल से इस पे आ नहीं रहा, तो बाद में हम दे देंगे मार्जिन। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे नीचे ना मेडिसिन का नाम आना चाहिए, तो मेरे पास मेडिसिन का जो नाम है वो मैं इस तरह लिखती हूँ यहाँ पे, हेडिंग 4 मेडिसिन नेम, सही है। और जो मेडिसिन का नाम है वो मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए, तो वो जो नाम है ना वो इधर से आएगा, ये वाला ऊपर तो हेडिंग है, हेडिंग को छोड़ दो इधर। अब इस चीज को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा तो मेरे पास जो है वो मेडिसिन का नाम ये आ गया, सही है। इसी तरीके से मेडिसिन का नाम हो गया। उसके बाद हमें जो बेसिक है वो हमारे पास है कि डोज उसकी क्या है, तो आप इससे रिलेटेड जो चीजें हैं ना वो आप इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करते जाओ। तो मैं यहाँ पे हाँ डेटाबेस में होगी तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है डोज, बहुत सारी पिक्चर हम खुद नहीं लगा सकते, डेटाबेस में अगर होगी तो वो खुद लगती जाएगी, ठीक है। डोज हो गई मेरे पास। इसी तरीके से इसकी प्राइस होगी, एक्सपायर डेट डिस्प्ले करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चर ना करवाएं कंपनी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मेरे पास होगी एक्सपायर डेट हो गई, सही है, ये रही एक्सपायर डेट हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो ये चीज आ रही है ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो शॉर्ट डेट के अंदर, कि जो डिस्प्ले कर रहा है ना, ये डिस्प्ले में जो हमारे पास आ रहा है वो इतना लंबा चौड़ा ना है, ठीक है। टू शॉर्ट डेट इसको देखना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट डेट में बाद में करेंगे कन्वर्ट, टाइम शॉर्ट है इसलिए, ठीक है। एक्सपायर डेट हो गई, ये चीजें। प्राइस वगैरह आप इसी तरीके से आप यहाँ पे करना, प्राइस लगा लेना, सही है। यहाँ पे इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी कर दी भाई प्राइस है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, प्राइस है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पर्टिकुलर, लेट्स सपोज अगर ज्यादा चीजें नहीं देनी या सिंपल कम भी करना है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना हमारी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, मैं एक काम ये करती हूँ इसमें से डिटेल्स हटा देती हूँ, प्राइस और नेम ही रहने दो, छोड़ो बाकी चीजों को, सही है। डिस्क्रिप्शन वगैरह भी तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सही है। तो यहाँ हम व्यू डिटेल्स लगा देते हैं, बटन लगा देते हैं, हाँ ठीक है। एच रेफरेंस है मेरे पास, सही है यहाँ पे, और ये हो गया मेरे पास व्यू डिटेल्स। और व्यू डिटेल्स के लिए फिर आप इसी तरीके से जाओगे कि हमारे पास अभी जो इस पे है हम होम पे है ना, तो होम के अंदर मेरे पास यहाँ पे होगा मेडिसिन डीटी, यानी डिटेल, सही है, इस वाले पेज पे होगा। और ये कौन सी आईडी है, बेसिकली जो आपकी आईडी है ना, ये देखो नीचे आ रही होगी, ये आ रही है, कॉपी करा मैंने, सही है, और स्लैश लगा के यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया आईडी, ठीक है, @ आइटम आईडी,
अब लाओ इसको देखो यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास, इस तरह आ रही होगी, ठीक है। अब ये जो व्यू डिटेल्स है इसका लुक आप चेंज कर लो, BTN ठीक है, क्लास लगा लो यहाँ पे BTN BTN डैश प्राइमरी, सही है रबट। प्राइस आप डॉलर में या क्या है, तो प्राइस के आगे ही और पीछे जो है वो आप इस तरह लगा सकते हो रुपीस, ठीक है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। टेबल व्यू रखना है, टेबल व्यू में भी लगा सकते हो कि भाई सामने सामने आ जाए, सही है, वो भी आप कर सकते हो, समझ में आई बात। और व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये अलग पेज पे जाएगा और इसकी डिटेल लेके आएगा, सही है, समझ में आई बात। अब मैं एक और अगर मेडिसिन ऐड कराती हूँ, पैनाडोल है और दूसरी मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट, ठीक है, डोज जो है वो लेट्स सपोज है ये 500 mg की है, एमएच जो है वो लेट्स सपोज अभी यही रहने दो, मैन्युफैक्चर डेट भी यही है, एक्सपायर डेट भी यही है, टाइप जो है वो इसकी टैबलेट है, क्वांटिटी इसकी लेट सपोज 10 है, प्राइस जो है वो इसकी जो है वो लेट सपोज मैंने कह दिया है 50 है, कंपनी आईडी जो है वो भी यही है और ये भी यही है, दो है हमारे पास, ठीक है, तो मेरे पास ये सारा दो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा, सही है। जितनी मेरे पास यहाँ इंक्रीज होती जाएंगी एडमिन पैनल के अंदर, बटन का कोड दिखाइएगा कौन से वाले, ये बटन, इस पे अभी हमने कोट किया नहीं है, सही है। जब मैं इसकी व्यू डिटेल का मेडिसिन डिटेल का मैं एक बनाऊंगी, सही है, उसमें ये आईडी पिक करवाऊंगी तो फिर वो डिटेल वाला पेज लेके आएगा, कौन सा डिटेल का, जैसे आप ये डिटेल्स में जाते हो ना यहाँ पे ये इस तरह आता है, तो यही वाले पेज का टेम्पलेट जाएगा लेकिन डिस्प्ले हमारी तरीके से होगा। जैसे टेम्पलेट मैंने इसमें जो टेम्पलेट उठाया था वो मैंने ये वाला उठाया था टेम्पलेट ना व्यू का इधर, और इसका डिस्प्ले चेंज कर दें, क्या चीज ये सब इसका बना बना है टेम्पलेट में से आ रहा है, ठीक है, वहां से अभी चीजें आप ये हेल्प के लिए ले सकते हो। जैसे अभी मैंने इसका डिस्प्ले टेबल में डिस्प्ले था, इसको चेंज करके मैंने क्या कर दिया, ये वाला कर दिया, यानी इसका डिस्प्ले अगर आप देखो तो इस तरह आ रहा था, इसका डिस्प्ले मैंने इस तरह बना दिया, जो अब इसकी डिटेल्स होगी ना, डिटेल्स जो है वो यही वाली है लेकिन उसका डिस्प्ले हम अपनी तरह से बना लेंगे, जैसे ऐड टू कार्ट का होता है पिक्चर आ रही है, यहाँ पे डिटेल आ रही है, आपका प्रोडक्ट का वो आ रहा होता है, ठीक है, ऐड टू कार्ट करना है, विश लिस्ट में ऐड करना है, तो वो हम यहाँ पे अच्छा, जैसे ये नेम और डोज इस तरह से, ये इस तरह से ये सेट हुआ है, हाँ, ये टेबल में सेट हुआ है, हम इस तरह से करते हैं, हाँ, ये राइट हुआ हुआ लाइन उसको लेफ्ट कर दो लाइन, ठीक है।